वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। 7 जुलाई है आज। चलिए देखते हैं आज है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व जूनोज दिवस जो है डे किस तारीख को मनाया जाता है। जूनोज भी हम आगे पढ़ेंगे, क्या होता है जूनोज। इसका सही उत्तर होगा डी, 6 जुलाई को जो है यह दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? जूनोटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता जो है बढ़ाने के लिए। जूनोटिक रोग कौन से होते हैं? जो एनिमल्स से, जो और आदमियों के अंदर, मैंस के अंदर जो है वो कर जाते हैं। जूनोज संक्रामक रोग वायरस बैक्टीरिया परजीवी हैं जो मनुष्य जानवरों से मनुष्यों में फैल सकते हैं, और इसके विपरीत या तो जानवरों के सीधे संपर्क या परोक्ष के रूप में वेक्टर जनित या खाद्य जनित होते हैं। यह 6 जुलाई 1885 को जो है पहली बार मनाया गया था, जब लुई पाश्चर ने रेबीज़ के टीके के लिए जो है सफलतापूर्वक प्रशासित किया गया था, जो एक जूनोटिक बीमारी है रेबीज़ भी, क्योंकि यह कुत्तों से आदमियों में फैलती है, इसलिए रेबीज़ क्या है? जूनोटिक बीमारी। और लुई पाश्चर ने इसका टीके का 6 जुलाई 1885 को आविष्कार किया था। अब की बार की जो थीम थी, लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। आप बताइए, जो कोरोना वायरस है वो भी जूनोटिक है क्या? आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो 52वां संस्करण है वो किस शहर में आयोजित होगा, इनमें से बताइए। आप साथ के साथ आंसर करते रहिए। इसका सही उत्तर होगा बी, गोवा में जो है यह महोत्सव मनाया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 को गोवा में आयोजित किया जाएगा। 52वें IFFI के लिए विनिमय और पोस्टर माननीय सूचना किसने? माननीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जो है जारी किए गए थे। यह क्यों मनाया जाता है? भारतीय सिनेमा के उत्साह श्री सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी के अवसर पर सिनेमा में उत्कृष्ट के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इस वर्ष से शुरू होगा, जो कि IFFI में दिया जाएगा और हर साल दिया जाएगा। अब के साल से ये शुरू हो रहा है, तो यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। कौन सा? सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कहाँ होगा? गोवा में। अगला प्रश्न देखते हैं, द फोर्थ लाइन एसेज ऑफ गोपाल कृष्ण गांधी किसके द्वारा लिखी गई ये जो बुक है, इनमें से बताइए। द फोर्थ लॉयन। इसका सही उत्तर होगा डी, ए और बी दोनों, माधव गोविंदू द्वारा और श्रीनाथ राघवानी द्वारा संयुक्त रूप से यह जो है बुक लिखी गई। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जो है राष्ट्रपति ने बहुत से 8 राज्यों के जो है राज्यपाल चेंज किए, उसी संदर्भ में यह प्रश्न है। हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है, हरियाणा, बंडारू दत्तात्रेय, मध्य प्रदेश, मंगू भाई छगन भाई पटेल, झारखंड सत्यदेव नारायण आर्य, या त्रिपुरा रमेश बैंस, बताइए कौन सा सही है। इसका सही उत्तर होगा सी, पहला और दूसरा सही है, झारखंड का रमेश बैंस आएगा और त्रिपुरा का सत्यदेव नारायण आर्य। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों के जो है नए राज्यपाल नियुक्त किए। कौन कौन से? कर्नाटक का थावरचंद गहलोत, मध्य प्रदेश का मंगू भाई छगन भाई पटेल, मिजोरम का हरिबाबू कंभमपति, हिमाचल प्रदेश का राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, गोवा का PS श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा का सत्यदेव नारायण आर्य, झारखंड रमेश बैंस और हरियाणा का बंडारू दत्तात्रेय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो कौन है जो टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक होगा, इनमें से कौन? इसका सही उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों, मैरी कॉम भी और मनप्रीत सिंह भी। ये दो दो क्यों होंगे, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ IOC ने घोषणा की कि 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन कौन? MC मैरी कॉम। और मनप्रीत सिंह कौन है? पुरुष हॉकी टीम के कप्तान। मनप्रीत सिंह जो है टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। 2018 विश्व कुश्ती चैंपियन
में रजत पदक जीतने वाले कौन? बजरंग पुनिया। 8 अगस्त को जब यह समापन होगा इसका, किसका? टोक्यो ओलंपिक का। तब वह समापन के टाइम ध्वजवाहक होंगे, तो समापन के टाइम कौन ध्वजवाहक होगा? बजरंग पुनिया और मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह होंगे जब यह शुरू होगा तब। पहली बार होगा जब भारत में दो ध्वजवाहक होंगे, एक पुरुष और एक महिला, जो आगामी टोक्यो खेलों में लिंग समानता को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष पहल है। इसीलिए यह पहली बार किया गया है और लिंग समानता के लिए। आईओ ने इस संबंध में खेलों की आयोजित समिति जो है उसको पहले ही अवगत करा दिया है कि हमारे अब की बार दो दो ध्वजवाहक होंगे, कौन? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे किए? इनमें से बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, जेम्स एंडरसन ने यह कारनामा किया, 1000 विकेट पूरे किए। इनमें से जो ये हैं ओली रॉबिन्सन, ये भी हाल ही में बहुत न्यूज़ में थे, कंट्रोवर्सी में थे एक्चुअली। बताइए, क्या कमेंट करके बताइए किस कंट्रोवर्सी में ये फंस गए थे कुछ पुराने ट्वीट्स के कारण। एंडरसन ने मैनचेस्टर में केंट के खिलाफ लंकाशायर के काउंटी चैंपियनशिप में जो है एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। क्या उपलब्धि? एंडरसन टेस्ट क्रिकेट के सब तेज गेंदबाज हैं, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले। उन्होंने 162 टेस्ट में 26.67 की औसत से कितने? 617 विकेट लिए हैं, उसमें से 30 बार 5 और 3 बार 10 विकेट भी लिए हैं एक ही मैच में। एंडरसन जो है इस सदी के 1000 प्रथम श्रेणी विकेट लेने वाले कौन से 14वें खिलाड़ी बन गए? और अगर तेज गेंदबाजों की बात करें तो केवल 5 ही ऐसे खिलाड़ी हैं, तो ये 5वें खिलाड़ी हैं एंडरसन। जो 4 खिलाड़ी हैं वो कौन कौन से हैं? एंडी कडिक, मार्टिन बिकनेल, डोवेन मेलकम और वसीम अकरम, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज जिन्होंने एंडरसन से पहले 1000 विकेट का लैंडमार्क जो है पार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉलिसिटर जनरल हाल ही में न्यूज़ में थे, उसके बारे में हमें सही कथन चुनना है। पहली स्टेटमेंट, वह भारत के महान्यायवादी के अधीन होते हैं और उनके अधीन कार्य करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट, सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 साल की अवधि के लिए की जाती है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। इसका सही उत्तर होगा ए, केवल पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगर इसके बारे में हम पढ़ें तो यह न्यूज़ में क्यों था, पहले ये देखते हैं। अगर तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसद का प्रतिनिधिमंडल जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की उन्होंने, इसमें हम पढ़ते हैं इस वाले में, राष्ट्रपति कोविंद से जो मुलाकात की, क्योंकि क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है उनकी सुवेंदु अधिकारी के साथ हाल ही में बैठक हुई थी और उसको आपराधिक कदाचार और घोर अनौचित्य बताया गया, और इस आधार पर तुषार मेहता को हटाने के लिए इस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति जी के साथ बैठक की। क्या हुआ? सुवेंदु अधिकारी जो हैं 2016 के नारद टेप मामले में आरोपी हैं, और जो तुषार मेहता हैं वो सीबीआई की तरफ से जो है सर्वोच्च न्यायालय में और कलकत्ता उच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सीबीआई का। अब सुवेंदु अधिकारी तो इसमें आरोपी हैं और श्री मेहता वकील हैं जो सीबीआई की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और इन दोनों की ही क्या हुई? मीटिंग हुई। तो यह बहुत ही बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क लगाता है इनकी विश्वसनीयता पर। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की बैठक जिसमें भारत के सर्वोच्च सेवारत कानून अधिकारी कौन? सॉलिसिटर जनरल, जो सीबीआई के लिए विशेष लोक अभियोजक भी हैं और एक मुख्य आरोपी व्यक्ति जो उस जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है, उसका शामिल होना अनुचितता का अत्यंत गंभीर संदेह पैदा करता है। इस तरह की बैठकें जो हैं आपराधिक न्याय प्रणाली का मजाक बनाती हैं और आम आदमी का जो है न्यायपालिका से जो है विश्वास को नष्ट करने का काम करती हैं। सॉलिसिटर जनरल के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये भारत के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी होते हैं। महान्यायवादी जो कि सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं उनके अधीनस्थ होकर कार्य करते हैं। वह कानूनी मामलों में सरकार को सलाह भी दे सकता है। कौन? सॉलिसिटर जनरल। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति जो है समिति द्वारा 3 साल तक की अवधि के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है, तो राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री द्वारा इनकी जो है नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट हरित धारा, हरित धारा आपको याद रखना है क्या है ये, एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट
इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यह किसने विकसित की पहले, इसके बारे में बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, ICAR द्वारा जो है यह विकसित की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने एक एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट हरित धारा को विकसित किया। यह पूरक जो पशु जो है वो बहुत ज़्यादा मिथेन का उत्सर्जन करते हैं, तो उस उत्सर्जन को 17 से 20% कम कर देगा। मिथेन क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, इसीलिए इसका उत्सर्जन कम हो जाएगा। दूध का उत्पादन भी उससे उच्च हो जाएगा। अगला प्रश्न, होप्स मार्स मिशन को लेकर। होप्स मार्स मिशन मंगल ग्रह के ओरोरा की नई तस्वीरें खींची हैं। यह है तस्वीर, यह जो मिशन है किस देश से संबंधित है, हमें यह बताना है। इसका सही उत्तर होगा बी, संयुक्त अरब अमीरात से जो है यह मिशन संबंधित है। इसके बारे में पढ़ें, संयुक्त अरब अमीरात के होप मिशन जो इस साल फरवरी में से मंगल की परिक्रमा कर रहा है, ने चमकते हुए वायुमंडलीय रोशनी की छवियों को असतत अरोरा के रूप में जो है खींचा। पृथ्वी पर भी अरोरा होता है, लेकिन पृथ्वी पर जो अरोरा है वो केवल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर होता है, लेकिन जो मंगल पर होने वाला अरोरा है वह रात के समय ग्रह के चारों ओर देखे जा सकते हैं। तो यह डिफरेंस है मेन। अरोरा तब होता है जब सूर्य की सतह से निकलने वाले अवेशित कण, जिन्हें सौर हवा भी कहते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। ये कण हानिकारक हैं और हमारे ग्रह को जो है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। जो हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र है उसके द्वारा हम संरक्षित किए जाते हैं इन कणों से। हालांकि उत्तर और दक्षिण ध्रुव में कुछ सौर पवन कण जो हैं वो नीचे चले जाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं और वातावरण में विभिन्न गैसों के साथ जो रिएक्शन करके रात के समय आकाश में प्रकाश का प्रदर्शन करते हैं। तो ये जो पृथ्वी के उत्तर और दक्षिणी ध्रुव में रहते हैं, औरोरा इनको बोला जाता है। अब बताइए, जो नॉर्थ में होते हैं उनका क्या नाम रखा जाता है, और साउथ में होते हैं जो उनका क्या नाम रखा जाता है, कमेंट करके बताइए इनके नाम। और इनका नाम रखने का एक कारण भी है, अगर आपको पता है तो वो कारण भी बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों में सुधार पर सही कथन हमें चुनना है। हाल ही में करों में जो है सुधार किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों में सुधार की जो मांग है उस वाले समावेशी ढांचे में शामिल हो गया है हाल ही में। दूसरी स्टेटमेंट, इस पहल का नेतृत्व विश्व व्यापार संगठन द्वारा किया जा रहा है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसका सही उत्तर होगा ए, केवल पहली। भारत शामिल हुआ है लेकिन विश्व व्यापार संगठन द्वारा नहीं किया जा रहा। किसके द्वारा? G20 और OECD। भारत G20 और OECD समावेशी ढांचे के सौदे में शामिल हो गया है जो अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों में सुधार करना चाहते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि बहुराष्ट्रीय उद्यम जहां भी काम करते हैं उनके उचित हिस्से का भुगतान जो है वो करें। हालांकि भारत को जो वैश्विक कर व्यवस्था लागू होने पर गूगल, अमेज़न और फेसबुक जैसी जो कंपनियां भारत में काम कर रही हैं उन पर भारत ने क्या समान लेवी, लेवी एक तरह से टैक्स होता है, वो लगा रखा है। तो यह व्यवस्था लागू होने पर भारत को वो वापस लेना पड़ेगा कर। इसमें कुछ है कि मिनिमम टैक्स होगा, वो ले सकते हैं मिनिमम टैक्स। अगला प्रश्न, भारत रत्न के बारे में हाल ही में न्यूज़ में था। पहले स्टेटमेंट, यह लिखित प्रावधान है कि केवल भारतीय नागरिकों को यही यह दिया जाना चाहिए, भारत रत्न के बारे में बात हो रही है। दूसरी स्टेटमेंट, वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम क्या 3 तक ही सीमित है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसका सही उत्तर होगा बी, केवल दूसरी स्टेटमेंट जो है हमारी सही है। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, हाल ही में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रस्ताव दिया कि इस साल जो है भारतीय डॉक्टरों को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम कर्म के प्रदर्शन की मान्यता प्रदान करने के लिए की दिया जाता है। ऐसा कहीं भी लिखित प्रावधान नहीं है कि यह केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया जा सकता है। यह जो भारत से बाहर के में जो फॉरेन सिटीजन्स भी हैं उनको भी दिया जा सकता है। आप एक दो फॉरेन सिटीजन्स का नाम कमेंट करके बताइए किन किन को यह मिला है। सिफारिशें स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति जी को दी जाती हैं।
वार्षिक पुरस्कारों की संख्या कितनी है? अधिकतम 3 तक सीमित है, और यह भी अनिवार्य नहीं है कि हर साल भारत रत्न दिया ही जाना चाहिए, यानी किसी दिन कब हर मतलब हर साल देना जो कोई ज़रूरी नहीं है। भारत रत्न में क्या होता है? एक पीपल का पत्ता जिस पर भारत रत्न लिखा होता है और बीच में सूर्य बना होता है दिया जाता है। चलिए आप बताइए, जो ये होता है यह किस धातु का होता है? कमेंट करके बताइए। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।